अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू टैलेंट पिक, एक और नई वीडियो में खुश आमदी। तो आज का जो टॉपिक है इंतहाई इम्पॉर्टेंट और बहुत मज़े वाला टॉपिक है। आज हमने नेविगेशन बार के बारे में सीखना है CSS में, ठीक है। और उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको और भी बताऊंगा जो जो हम प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे CSS में, तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है आजकल, लाजमी आप देखें। और मैं इंतहाई आसान से आसान तरीके से आपको जो है ना कि समझाऊँगा कि आप आसानी से नेविगेशन बार बना लेंगे। तो मैं इस तरह चाहता हूं, ठीक है। और मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि हम इस तरह नेविगेशन बार बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जी दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं कि डेस्कटॉप के अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया नेविगेशन के नाम से, ठीक है। मैं जब ये फोल्डर ओपन करूंगा तो इसके अंदर मैंने जो है ना एक और भी फोल्डर बनाया इमेजेस, ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ इमेजेस रखे हैं, ठीक है, जो कि हम आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इसके नीचे मैंने दो और भी फोल्डर बनाए हुए हैं इसी नेविगेशन फोल्डर के अंदर। कौन कौन से? एक इंडेक्स, एक HTML की मैंने फाइल बनाई हुई है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर नोट पैड पर रखी हुई है। ये देखें HTML की फाइल, ठीक है। और इस फाइल को HTML की फाइल को मैंने लिंक करवाया हुआ है ये CSS की जो फाइल है यहाँ पे style.css, इसके साथ लिंक करवाया हुआ है। कैसे मैंने लिंक करवाया, ये देखें, इस लिंक के थ्रू मैंने इसको लिंक करवाया, ठीक है। ये मैंने आपको वैसे लेक्चर्स में भी बताया था, पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं नेविगेशन बार बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो है UL लूँगा, अनऑर्डर लिस्ट लूँगा, और उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट को मैं यहाँ से क्लोज करूँगा। क्लोज करने के बाद इसके अंदर मैं लिस्ट बनाऊँगा। नंबर वन मेरी लिस्ट आएगी LI, और LI के अंदर मैं लिंक टैग भी यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि उस पर जैसे यूज़र क्लिक करे तो वो अगले उस पर ओपन अगले उस पर चला जाए, ठीक है, मतलब उसका पेज ओपन हो जाए। और उसके बाद मैं LI यहाँ से क्लोज कर दूँगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम, ठीक है। होम लिखने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैंने अबाउट अस लिखना है। ठीक है, अबाउट अस के अंदर जो है मैं बनाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाना चाहता हूँ एक और। तो मैं UL यहाँ से क्लोज करूंगा और इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ। मैं इसी ऊपर वाले को कॉपी कर रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मिशन एंड विजन, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक स्टेटमेंट मैं ये लिख लेता हूँ, दूसरी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यूज, ठीक है। और थर्ड मैं लिख लेता हूं, यहां पे मैं थर्ड लिख लेता हूं वैल्यू FAQ, ठीक है। अच्छा, इनको LI मैं लगाना भूल गया हूं, तो LI भी मुझे यहां पे लगाना होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गया क्लोज यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद फिर एक और मैं ले लेता हूँ लिस्ट, और इसका मैं नाम दे देता हूँ टीचर्स, बल्कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कोर्सेज, लिख लेता हूँ कोर्सेज आ गया। और इसके अंदर भी मैं UL बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ ताकि मेरा टाइम यहाँ से बच जाए, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ कोर्सेज के। नंबर वन है वेब डिजाइनिंग, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्राफिक्स डिजाइनिंग, ठीक है। और थर्ड पे लिख लेता हूँ IT सपोर्ट कोर्सेस, ठीक है। आप इसमें वैसे और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं अब जो है एक और लिस्ट लेके आना चाहता हूं, तो मैं इसी फर्स्ट वाली को कॉपी करूंगा टाइम को बचाने के लिए। और यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। मैं जी, तो ये जो मैंने बनाया
अब मैं इसको चेक करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा फोल्डर में जाने के बाद इसको चेक करूँगा। तो ये देखिए मेरे पास इस टाइम ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये कुछ ठीक है, अब ठीक है पेज पे। अच्छा, अब आप ये देखें कि मेरा इस टाइम ये ठीक है, इस तरह आ रहा है, ठीक है। होम लिया, होम के बाद मतलब कि मैंने अबाउट अस लिया, और अबाउट अस के अंदर मैंने कुछ लिस्ट बनाई, और उसके बाद फिर अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर फिर मैंने लिस्ट बनाई, ठीक है। तो अब मेरी जो ये स्टाइल वाली फाइल है, ये यहाँ पे जो ये है, इसको जो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, मीन्स कि मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं स्टाइल की फाइल पर जाऊँगा, और यहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ, ठीक है, किसी में ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉडी, और उसके बाद ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं लिखूँगा सबसे पहले बैकग्राउंड जो है मैंने इमेज लगाना है, तो इमेज लिखूँगा, और उसके बाद यूआरएल, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये सिखाया था, ठीक है, कि कैसे बैकग्राउंड इमेज हम लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसका पाथ देना है, तो मेरा पाथ क्या है, इमेज के अंदर मेरा है बी बैकग्राउंड डॉट जे पी जी, ये फाइल है। मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी कि क्या वाकई मेरी ये फाइल है। तो ये देखें इमेजेस, इमेजेस के अंदर ये और ये बैकग्राउंड, और उसके बाद इसकी फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी एक्सटेंशन भी डॉट जे पी जी है, तो मेरी ये फाइल बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करूँगा, सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा इमेज अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये देखें मेरा यहाँ पे इमेज अप्लाई हो गया है, और फुल साइज़ में, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी इसको कवर कर देता हूँ, मैं लिख लेता हूँ बी ए बैकग्राउंड साइज ठीक है, साइज़ लिखा, और इसको मैंने क्या कर दिया कवर, ताकि ये स्क्रीन पे पूरा कवर हो जाए। अब मैं देखना चाहता हूँ, दोबारा जाऊँगा, तो अब ये देखें ये पूरा स्क्रीन पे कवर हो गया। अब मैं इनको चेंज करना चाहता हूँ, सबसे पहले फ़ॉन्ट को ठीक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कलर फॉन्ट का, बल्कि फॉन्ट को मैं फॉन्ट की फैमिली मैं दे देता हूँ सबसे पहले, फॉन्ट भी मैं जो है ना कि उस फैमिली दी, और इसमें मैं दे देता हूँ कि फॉन्ट मेरा हो एरियल का, ठीक है, एरियल, सेव किया, और उसके बाद मैं दोबारा गया फोल्डर पे, चेक किया इसको, तो ये देखें फॉन्ट जो है वो एरियल में आ गया। अब मैं जो है फॉन्ट को वाइट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे दोबारा फॉन्ट, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा वाइट, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद चेक करता हूँ, सॉरी मैंने यहाँ पे फॉन्ट नहीं लिखना था, बल्कि मैंने यहाँ पे कलर लिखना था, जल्दी में मैंने देखा नहीं इसको, ठीक है, ये आ गया। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं दोबारा जाऊँगा इस पर और चेक करूँगा, तो ये देखिए मेरे ये वाइट हो गए हैं, ठीक है। अब जो है मैं अनऑर्डर लिस्ट में आऊँगा, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसकी मार्जिन पैडिंग वो सब चीज़ें ठीक करूँगा, लिस्ट के जितनी भी स्टाइल हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, लिस्ट स्टाइल को मैं जो है वो ठीक करना चाहता हूँ, तो लिस्ट स्टाइल जो है मेरा वो नॉन हो जाए, ठीक है, मीन्स कि वो लिस्ट में ना व्यू हो। अभी डेटा मेरा चेक करता हूँ, तो क्लोज, दोबारा इस पर आता हूँ, और ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन भी इसको दे देता हूँ, मार्जिन मैं इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल कर देता हूँ, और पैडिंग मैं इसको वो भी दे देता हूँ, वो 0 पिक्सल कर देता हूँ पैडिंग भी, और मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं चेक करता हूँ, तो ये देखिए मेरा लिस्ट स्टाइल भी ख़त्म हो गया, और मैंने इसकी मार्जिन और पैडिंग भी कर दी। अच्छा, अब इसके बाद मैं यूएल और एलआई के अंदर जाऊंगा, बता देता हूं आपको, पहले मैं था मैंने इसको ठीक किया, मींस कि ये यूएल के अंदर तमाम ये लिस्ट हैं, अब मैं चाहता हूं यूएल के अंदर ये जो एलआई है इनको जो है मैं ठीक करूँ, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग टू My choice। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे यू एल और
यूएल के अंदर जब मैं एलआई पे जाऊंगा तो मैं यहां पे देन एलआई लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले फ्लॉट कि मेन्यू मैं किस साइड पे करूं। मैं चाहता हूं मेरा जो मेन्यू है वो लेफ्ट ही हो, ठीक है, लेफ्ट। और उसके बाद विड्थ इसकी मैं देना चाहता हूँ 250 पिक्सल, 250 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और हाइट इसकी मैं देना चाहता हूँ 50 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और ये लिखने के बाद इसके मैं चेक करता हूँ कि क्या कुछ हुआ है तब्दीली। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के बाद इसको मैं सेव करता हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे देखें यहाँ से गलती आ रही है कि मैं ये, अब ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ, हाँ जी, तो ये देखें कि कलर मेरा ग्रीन हो गया, और इसके अलावा मेरा ये लेफ्ट की साइड पे मूव हो गया। लेकिन ये देखें कि कॉन्टैक्ट अस मेरा नीचे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये फुल स्क्रीन पे आ जाए, तो इसकी जो लेंथ है वो मैं कम कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेंथ कर देता हूँ 210 करके चेक करता हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद हाँ जी, अब इसकी लेंथ मेरी ठीक है। फॉन्ट को मैं दोबारा ठीक कर लूँगा, और इसको मैं करता हूँ 50 की जगह करता हूँ 45 करता हूँ। हाइट भी इसकी सेव मैंने किया, और अब मैं चेक करता हूँ, हाँ जी, मेरी हाइट भी ठीक हो गई है। अच्छा, कलर देने के बाद अब मैं इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ। ओपेसिटी आपका होता है बेसिकली ट्रांसपेरेंट कर देता है, ठीक है, मींस कि आपके इमेज जो भी आप टेक्स्ट या इमेज लगाएंगे तो उसकी बैक साइड पे भी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। जितनी आप ओपेसिटी ज़्यादा करेंगे उतनी ही वो आपकी इमेज की बैक साइड जो भी होगी वो ज़्यादा वहाँ पे नज़र आएगी, मींस कि आपका ट्रांसपेरेंट बन जाएगा इमेज। मैंने 8 की, हाँ जी, तो मेरा ये 8 पे हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं बल्कि इसको 7 करता हूँ, मैंने यहाँ पर 7 किया, और अब मैं चेक करता हूँ, हाँ जी, 7 मेरा आई थिंक सही रहेगा। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के बाद अब मैं इसमें ओपेसिटी के बाद मैंने अब ओपेसिटी मैंने दे दी। अब मैं लाइन की जो हाइट है वो ठीक करना चाहता हूँ, और टेक्स्ट को जो है ना उसकी अलाइनमेंट वो ठीक करना चाहता हूँ, फॉन्ट और टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लाइन को जब भी मैं ठीक करूँगा तो लाइन और लाइन हाइट ठीक करनी है तो हाइट ही लिखूँगा, यहाँ पे आ भी रहा है हाइट। और उसके बाद हाइट मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है। और उसके बाद मैं टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं कर देता हूँ सेंटर, सेंटर, ठीक है। और मार्जिन मैं कर देता हूँ इनको, बल्कि फॉन्ट भी मैं दे देता हूँ, फॉन्ट का साइज़ भी दे देता हूँ। फॉन्ट का साइज़ मैं कर देता हूँ कोई 20 पिक्सल में कर देता हूँ फॉन्ट का साइज। और इसके अलावा मार्जिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मार्जिन राइट ले लेता हूँ, राइट, और राइट की साइड पे 10 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है, ये कर दिए मैंने। और इसके बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ, दोबारा फोल्डर में जाऊँगा तो ये देखें मेरा फॉन्ट मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ा हो गया है। अच्छा, इसमें मैंने जो लाइन मार्जिन राइट जब किया था तो ये देखें इसमें ये यहाँ पे ब्लॉक भी मतलब सेगमेंट इनकी हो गई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा मैं जाऊँगा यहाँ पे और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा कम कर रहा हूँ, विड्थ बहुत ज़्यादा इसकी की हुई है, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 180 कर रहा हूँ। सेव किया, सेव करने के बाद दोबारा आप चेक करता हूँ, हाँ जी, अब ठीक है, अब ये देखें ये पूरा मेन्यू इस पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन फॉन्ट बढ़िया, जस्ट मैं ये आपको समझाने के लिए जूम कर रहा हूँ, आप छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ये प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें जो जो मैंने यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट
कि अंदर जो जो मैंने लिस्ट बनाई थी वो भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ पे ये फिक्स है, इनको मैं ठीक करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा फिर मैं नीचे जाऊँगा और अब मैंने क्या करना है, यू एल के अंदर एल आई, और सबसे पहले मैं बल्कि एंकर लिंक्स को भी मैं ठीक ही कर देता हूँ। इसके अंदर मैं टेक्स्ट डेकोरेशंस मैं कर देता हूँ नॉन, और उसके बाद कलर मैं इनका कर देता हूँ ब्लैक, मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे लगेगा ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद डिस्प्ले मैं कर देता हूँ ब्लॉक, ठीक है, ये कर दिया। और इसको मैंने यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं चेक करना चाहता हूँ तो ये देखिए मेरे जो टेक्स्ट हैं वो भी क्या हो गए, ब्लॉक में आ गए हैं, और उसके बाद क्या हो गए, ये ब्लैक में आ रही हैं, ठीक है। अब फर्दर मैं इसमें और चेंजिंग कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, नीचे आऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद अब मैं लिखूँगा UL LI, और LI के एंकर टैग ए को मैं होवर करूँगा, ठीक है। होवर के अंदर जो है बैकग्राउंड, मैं ये बताता हूँ कि होवर हम क्यों यूज़ करते हैं। कलर होवर को मैं दे देता हूँ यहाँ पे रेड, ठीक है, आप कोई और भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको रेड दी है। सेव मैंने किया, सेव करने के बाद चेक करता हूँ अब, हाँ जी, होवर बेसिकली ये होता है, ये देखें कि मेरे टेक्स्ट के ऊपर मैं जहाँ पे मेरा कर्सल जाएगा तो वहाँ पे ये रेड कलर यहाँ पे शो होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप कोई और भी कलर दे सकते हैं, मैं जस्ट इसलिए रेड यहाँ पे दे रहा हूँ ताकि आपको सही तरह नज़र आए, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी ज़्यादा कर देता हूँ, 8 ही करता हूँ क्योंकि फॉन्ट सही तरह नज़र नहीं आ रहे। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अगेन चेक करता हूँ, हाँ जी, अब ओपेसिटी मेरी ठीक हो गई है। अच्छा, इसके बाद अब मैं नीचे आऊँगा, नीचे आने के बाद अब मैंने अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर फिर लिस्ट, और उसके अंदर अनऑर्डर, सॉरी LI लिखना था इधर, LI, और LI के अंदर UL, और UL के अंदर LI, जो हमारा स्ट्रक्चर जिस तरह चल रहा है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ठीक है, कि ये मैंने क्यों यूज़ किया। तो डिस्प्ले, और डिस्प्ले के बाद इसको भी मैंने नॉन कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कि ये मैंने क्यों लिखा है UL के अंदर LI, LI के अंदर फिर UL, UL के अंदर LI, बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर ऐसे ही चल रहा है। आप ये देखें सबसे पहले UL, UL के अंदर LI आ रहा है, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, आप ये देखिए। उसके बाद फिर हमारा UL आया यहाँ पे, ठीक है, UL के अंदर फिर हमारा LI यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो इस तरह सेक्शन, मतलब इस तरह हमारा वो यहाँ पे फॉन्ट चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं इसको जूम करूँगा तो अब ये देखें कि अब मेरा ये ठीक हो गया, नीचे जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब उनको मैं लेके आना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा उस पर जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा UL LI, और LI के अंदर होवर, ठीक है, होवर होना चाहिए, और UL, और देन LI, ठीक है, ब्रैकेट्स, यहाँ पे डिस्प्ले नॉन, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं, आप चेक करें कि अब आप देखें कि आपके पास यहाँ पे ये बन गया, लेकिन मेरी यहाँ पे लिस्ट्स नहीं आ रही, ठीक है, मींस कि जो मेरा अनऑर्डर लिस्ट थी वो नहीं आ रही। इनको मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या वजह है, वो क्यों नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे CSS की फाइल में, हाँ जी, ये देखें ये बेसिकली क्यों नहीं आ रही, ये ब्लॉक्स यहाँ पे मैंने लिखना था, मैंने नॉन लिख लिया। अभी आप देखें कि मेरे मेन्यू के नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा, मींस की लिस्ट नहीं आ रही, उसकी वजह क्या है कि मैंने वहाँ पे ब्लॉक्स नहीं यूज़ की यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लॉक, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेव किया, सेव किया जैसी, अब मैं चेक करना चाहता हूँ, तो अब आप देखें कि मेरी यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, ब्लॉक्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना कि मेरा ये वाला ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और नीचे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिले। तो दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।